विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी कांडी के निर्देशानुसार 3 पंचायत मझिगामा, हरिहरपुर, डुमरसोता के पंचायत सचिवालय के सभागार में शनिवार को ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास से संबंधित पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष रोजगार सेवक के समक्ष ग्रामीणों के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हर पंचायत के गाँव टोले का विकास किस स्तर से किया जाए, आने वाले 2024 तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा मिल सके, जिसके लिए गांवों में निवास करने वाले गरीब गुरबा बुद्धिजीवी सहित सभी की राय विचार को लिखित रूप से ग्राम सभा के पंजी में अंकित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो कि कमेटी 15 दिसंबर तक लिखित रूप से तैयारी कर उच्चाधिकारियों को सौंपा जाएगा। इस योजना में आवास, सड़क, पेयजल की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वच्छता से संबंधित कार्य आदि को लिया जाएगा, जिसमें कार्यशाला में पंचायत मझिगामा में प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष रंभा देवी व रोजगार सेवक अंबिका सिंह एवं पंचायत सचिव संजीव ठाकुर सहित 53 ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं हरिहरपुर पंचायत सचिवालय में प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष रंजू देवी व रोजगार सेवक असलम खान थे। रोजगार सेवक ने बताया कि कार्यशाला में 45 ग्रामीण उपस्थित थे। साथ ही डुमरसोता पंचायत सचिवालय में कार्यशाला में प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष रामकली देवी, पंचायत सचिव शाहिद अंसारी, रोजगार सेवक मनोज राम सहित 22 ग्रामीण उपस्थित थे। विधायक प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीणों की उपस्थिति असंतोषजनक व हरिहरपुर पंचायत के 15 वार्ड सदस्यों में से केवल एक वार्ड सदस्य ही उपस्थित थे, जो अत्यंत ही चिंताजनक है। आज की सभा की उपस्थिति पंजी को बंद करने की मांग पर पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा टाल मटोल कर दिया गया। मझिगामा पंचायत सचिवालय में मौके पर पंचायत सचिव संजीव ठाकुर, रोजगार सेवक अंबिका सिंह, उप मुखिया अरुण मिश्रा, वार्ड सदस्य सुदामा राम, स्वयं सेवक अरविंद कुमार, JLPS महिला समूह की सदस्य सुशीला देवी एवं ग्रामीण जितेंद्र चौबे उपस्थित थे।